हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन सा एनिमे देखना चाहोगे, तो सबसे ज़्यादा वोट बाई ऑरेंज को मिले। तो आज इस वीडियो में मैं उसी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। अगर आप इस एनिमे के बारे में नहीं जानते हो तो मैंने इसका एक रिव्यू वीडियो भी बना रखा है, आप वो जाके देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा इस एनिमे के बारे में कि इसका प्लॉट क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं इसका एपिसोड नंबर 1 एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो बिना टाइम फोड़े, लेट्स बिगिन। एपिसोड स्टार्ट होता है समय में 10 साल आगे, जहां हमें कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप दिखाया जाता है और जो एक टाइम कैप्सूल निकालते हैं। उसमें उन सबके लेटर्स होते हैं और उनकी एक ग्रुप फोटो भी, और एक लड़की जिसका नाम नाहो ताकामिया है, वो बोलती है 10 साल बहुत लंबा समय होता है और अब जब मैं 26 साल की हो गई हूँ मुझे बहुत पछतावा होता है। और इसी के साथ इस एनिमे की शुरुआत होती है। अब हम वापस प्रेजेंट में आ चुके हैं और ये अप्रैल का महीना है और नाहो के हाई स्कूल के सेकेंड ईयर का पहला दिन होता है। वो लेट हो चुकी होती है स्कूल के लिए और घर से निकलते वक्त उसे एक लेटर मिलता है जो उसके लिए होता है, और उस लेटर को खुद नाहो ने ही भेजा होता है। वो जल्दी में होती है तो वो उस लेटर को बिना पढ़े स्कूल के लिए निकल जाती है। अब वो अपनी क्लास में होती है और वो उस लेटर को खोलती है और ये लेटर 10 साल बाद वाली नाहो ने लिखा होता है, जो कि प्रेजेंट की नाहो से उसकी मदद करने को बोलती है। इस लेटर में ये भी लिखा होता है कि आज मैं सुबह देर से उठी और आज एक नया स्टूडेंट हमारी क्लास में आया जिसका नाम काकेरू नारुसे है, और तभी वहाँ उनका टीचर उन्हें एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम काकेरू नारुसे है। उनका टीचर काकेरू को नाहो के बगल में बैठा देता है। अब स्कूल ख़त्म होने के बाद एक लड़का काकेरू को उनके ग्रुप के साथ आने को बोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हें आसपास का इलाका भी दिखा दूंगा। शुरुआत में काकेरू मना कर देता है मगर वो सब मिलकर उसे मना लेते हैं। अब नाहो के लेटर में लिखा होता है कि स्कूल के बाद काकेरू को अपने साथ आने को इन्वाइट मत करना और रिक्वेस्ट करती है ऐसा करने को। हालांकि उस लेटर में लिखी चीज़ें सच हो रही होती है मगर नाहो को अभी भी उस पर इतना यकीन नहीं होता और वो उस लेटर में लिखी बात को नहीं मानती। अब ये सभी बाहर होते हैं और वही लड़का काकेरू को अपने ग्रुप के मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो एक एक करके सबका नाम बताता है उसे, ये है साकू हागिटा, ये है नाहो टाकामिया, और ये है चीनो टाकाको, और मैं हूँ सुवा हिरोटो। और तभी एक लड़की पीछे से भागती हुई आती है। सुवा बोलता है ये है आजोजा मोरासाकी। वो बोलती है तुम मुझे आजू भी बुला सकते हो। ये सब मिलके अब थोड़ी हंसी मजाक की बातें करते हैं। नाहो अपने मन में बोलती है मुझे खुशी है मैंने इसे इनवाइट किया। अब ये सारे मिलके ब्रेड खाते हैं जो आजू अपने बेकरी से लाई होती है। काकेरू अपना ब्रेड नाहो को दे देता है उसके ब्रेड के बदले। नाहो बोलती है इसे कैसे पता कि मुझे ये ब्रेड खाना था। अब ये सारे दोस्त मिलके काकेरू को आसपास का एरिया दिखाते हैं, घूमते फिरते हैं और बहुत मजे करते हैं एक साथ, और फाइनली फिर ये घर चले जाते हैं। अब नाहो अपने घर में अपनी डायरी लिख रही होती है और अपनी डायरी लिखने के बाद वो उसे उस लेटर से मैच करती है जो उसे मिला था सुबह, और वो इस चीज़ को देख के हैरान हो जाती है कि आज जो उसने डायरी में लिखा होता है वो सेम चीज़ उसी लेटर में लिखा हुआ होता है और उसकी राइटिंग भी उससे एकदम मिल रही होती है। अब अगले दिन नाहो स्कूल जाती है मगर काकेरू नहीं आता। वो 2 हफ्ते तक एबसेंट रहता है और नाहो सोचती है कहीं मैंने लेटर की बात नहीं मानी उसकी वजह से तो ये नहीं हुआ। वो घर पे आके दोबारा लेटर पढ़ती है जिसमें लिखा होता है 20 अप्रैल को बॉल गेम टूर्नामेंट में उन्होंने मुझे पिंच हिटर बनने को बोला जो मैंने मना कर दिया और बाद में पछताई। मैं चाहती हूँ कि तुम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। और नीचे लिखा होता है कि उसी दिन मुझे काकेरू से प्यार हो गया। अब अगले दिन काकेरू फाइनली स्कूल आ जाता है। इनके स्कूल में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट चल रहे होते हैं, सुवा और हागिटा सॉकर खेल रहे होते हैं। नाहो काकेरू को देखती है और उसके पास आती है। वो उससे पूछती है कि तुमने किसी गेम में हिस्सा नहीं लिया। काकेरू बोलता है नहीं। नाहो बोलती है मगर क्यों। काकेरू बोलता है क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से एबसेंट था। काकेरू नाहो के जूते देखता है और बोलता है क्या ये दुख रहा है। नाहो बोलती है हाँ थोड़ा सा, वो मेरे जूते थोड़े छोटे हो गए हैं। अब आजू वहाँ आ जाती है, नाहो को बुलाती है। वो वहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसे पिंच हिटर बनने को बोलते हैं। नाहो सोचती है कि जैसा लेटर में लिखा था वैसा ही हो रहा है मगर नाहो मना कर देती है ऐसा करने को। उसके फ्रेंड्स बोलते हैं तुम बहुत अच्छी हो प्लीज़ बन जाओ। तभी काकेरू वहाँ आ जाता है और बोलता है नाहो के पैर में चोट लगी हुई है। ये सुन के आजू खुद खेलने चले जाती है। नाहो बोलती है कि मेरे पछतावे का रीज़न शायद ये होगा कि मैंने अपनी जिम्मेदारी अपनी फ्रेंड्स पे डाल दी और मैंने वो नहीं किया जो मैं कर सकती थी। और वो तभी खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मैं हिट करना चाहूँगी, और मन में बोलती है मेरे पैर का दर्द तो चले जाएगा मगर पछतावा वो नहीं जा सकेगा 10 सालों में भी। अब खेलते टाइम नाहो को लेटर में लिखा हुआ याद आता है कि सेकेंड बॉल कहाँ आएगी और वो उसे हिट कर देती है और सॉफ्ट बॉल गेम जीत जाते हैं वो।
सॉकर गेम भी इनकी टीम जीत जाती है सुबह की वजह से। गेम के बाद नाहू के पैर में बहुत दर्द हो रहा होता है। काकेरु तभी वहाँ आके उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देता है। और जब वो वहाँ से जा रहा होता है, नाहू बोलती है, मैं तुम्हें देख रही थी, अगर तुम सॉकर खेलना चाहते हो तो तुम्हें बोलना चाहिए। काकेरु बोलता है, तुमने जो होम रन मारा था वो बहुत ही बढ़िया था, अगले साल मैं जरूर सॉकर में हिस्सा लूंगा, मैं सुवा से ज़्यादा बढ़िया खेलता हूँ तो तुम जरूर देखना। नाहू बोलती है, मैं पक्का देखूंगी। काकेरु फिर वहाँ से चले जाता है और नाहू बोलती है, जो भी लेटर में लिखा था वो सब सच हुआ। क्या 10 साल बाद वाली नाहू की एक रिग्रेट कम हुई होगी? और नेक्स्ट सीन में हमें 10 साल बाद वाली नाहू दिखाई जाती है। तभी वहाँ सुवा आता है, उसकी गोद में एक बच्चा भी होता है और बोलता है, ये फूल कैसे है? नाहू बोलती है कि ये किसके लिए? सुवा बोलता है कि काकेरु के लिए। अब नाहू बोलती है, 10 साल पहले वाली नाहू, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं आगे, मुझे आशा है तुम उन्हें ढूंढ लोगी और उन्हें जाने नहीं दोगी। मैं ये लेटर्स इसलिए लिख रही हूँ जिससे 16 साल वाली नाहू को अपने साथ कोई भी रिग्रेट ना कैरी करने पड़े अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए। और ये सब प्रेजेंट में 16 साल वाली नाहू पढ़ रही होती है। और उस लेटर में ये भी लिखा होता है कि 10 साल बाद अब काकेरु हमारे बीच नहीं रहा, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उसे मत खोना और प्लीज़ काकेरु पे नज़र रखना। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, इसका फर्स्ट एपिसोड इतना ही था, जो कि काफ़ी अच्छा भी एपिसोड था इसका। इस एपिसोड में हमें सिर्फ लाइट इंट्रोडक्शन कराया गया है सभी कैरेक्टर्स से जो कि इस एनीमे के हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि आराम से शुरुआत हो रही है इस एनीमे की। तो ये आगे और भी अच्छा होने वाला है। तो अगर ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कमेंट शेयर जरूर करना इस वीडियो पे। और चैनल पे पहली बार आई हो और मेरे को पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन आउट और बाय।